हेलो डियर स्टूडेंट, सो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अच्छे हो आप सब कि नहीं हो? अच्छे। और पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी? तो अभी जल्दी जल्दी से मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आज छोटी सी वीडियो मिलेगी आपको 10-15 मिनट की, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आप देख सकते हैं मैं बहुत लेट हो गई हूँ और मुझे सुबह उठना भी है। हम कर रहे थे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आपको वो समझ आ गया अच्छे से? तो मुझे अभी बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपको वो समझ आ गया पहला चैप्टर। तो अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर या किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना और तो मैं वहां से आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में हमें। सो क्या नाम है आपके सेकेंड चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो, आपको मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर में कि डॉल्टन थे ना, डॉल्टन। तो डॉल्टन ने क्या बोला था कि जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि मैटर किससे बनता है? एटम से। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें मैटर के बारे में पता चल गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एटम होता है इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब जो आपका एटम है वो कैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा चैप्टर का। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एटम होता है वो कुछ इस तरह के दिखता है। ठीक है, जैसे जो सेंटर में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। तो अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको खोजा किसने होगा, किसने की होगी इसकी डिस्कवरी? आया नहीं आपके दिमाग में ऐसा कभी क्वेश्चन कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन चीज़ों को खोजा? तो कौन थे? देखो, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी आपकी जे जे थॉम्सन ने। कब की थी? 1897 में। ठीक है, तो 1897 में जे जे थॉम्सन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। तो उसके बाद आए आपके क्या, उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो अब प्रोटॉन की खोज करूँगा। तो उन्होंने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। कब की? 1919 में। ठीक है, 1919 में उन्होंने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। उसके बाद कौन आए? जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने आपने क्या किया, उन्होंने जो लास्ट में बच गया था न्यूट्रॉन, उसकी खोज की। कब की? 1932 में। ठीक है, तो देखो फिर से याद करो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो जो टेट वाले ना वो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और कई बार टीजीटी कमीशन में भी आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चन। तो बस आपको अगर नाम याद होगा तो आप वहां पे जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे। जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मैंने आपको बता भी दिया था पहले, इनको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम के सब, सब मतलब क्या होते हैं, एटम के भी छोटे पार्टिकल। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखो, ये तो मुझे पता लगा कि किस किसने खोजा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, पर अब इसको खोजा कैसे, इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल हमने पढ़े इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला था आपका क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने कैसे किया इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब सुनो इसकी कहानी क्या थी। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन की खोज हो रही थी, तो उससे पहले लोग सोचते थे कि जो आपकी जैसे बिजली चमकती है, आपने देखी होगी, तो जैसे बिजली चमकती है वो सिर्फ नेचर के थ्रू होती है, ऐसा रियल में नहीं हो सकेगा। तो आपके जे जे थॉम्सन आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्कवरी की, मतलब उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ली कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब ली उन्होंने, ये वाली ट्यूब, और उन्होंने यहाँ से क्या की, इसको वोल्टेज दी, तो यहाँ से क्या निकला आपका, कोई नेगेटिव पार्टिकल बाहर को निकले, और उन्हीं नेगेटिव पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। कि इसका मतलब यहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले,
कैथोड से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से आपकी डिस्कवरी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की, किसने की, जे जे थॉमसन ने। तो इतना सा ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो देखो प्रोटॉन के लिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से अगर क्या निकल रहे हैं आपके, मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे को कुछ और भी होंगे, मतलब पीछे को छूट रहे होंगे आपके, क्योंकि आपका एटम तो क्या होता है, एटम आपका पूरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एटम न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव निकल रहे हैं तो कहीं को पॉजिटिव तो होंगे, तभी तो आपका वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपका एटम क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो इस तरह से पता लग गया कि उसमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी होते हैं, और उन पॉजिटिव पार्टिकल को क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। तो इतना सिंपल था, देखो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई। उसके बाद चलते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने, कब, 1932 में की इन्होंने, किसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज। तो ये तो वैसे स्पेशली इसकी खोज नहीं कर रहे थे, ये अल्फा पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे सोर्स लिया जहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो ये सारे क्या है आपके अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, बेरिलियम जो एलिमेंट है उसकी एक प्लेट रख दी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, न्यूट्रल पार्टिकल होंगे। और उन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। तो ये देखो न्यूट्रल थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया इसका, देखो न्यूट्रल, तो उससे क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम पड़ गया इसका, जो कैसे हैं, न्यूट्रल पार्टिकल है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो उनको क्या बोला, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि सब अटोमिक पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल एटम है उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेते हैं आपके क्या आगे, आगे क्या आपका अटोमिक मॉडल। अब बात हुई कि चलो ठीक है, हमने सब अटोमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया कि उनको कैसे कैसे डिस्कवर किया। अब पढ़ेंगे कि ये जो एटम होता है उसमें होते कहाँ जैसे हैं, कहाँ जैसे लाई करते हैं, मतलब इनका घर कैसा है, किस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो एटम का घर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके घर में कैसे कैसे सारे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो मॉडल दिया वो था आपका थॉमसन, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन खोजा था उसी ने सबसे पहला मॉडल दिया। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं, और केक पुडिंग मॉडल बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, मतलब तरबूज, ठीक है, तरबूज वाला मॉडल। तो ये थॉमसन सोच लो कि उस टाइम शायद तरबूज खा रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि एटम कैसा दिखता होगा, तो उसने बोला कि जो आपका एटम होता है वो तरबूज की शेप की तरह होता है, मतलब गोल होता है, और जो उसके बीज होते हैं अंदर, जैसे जो काले काले बीज आपने देखे होंगे उसमें होते हैं, तो उसकी तरह जो है ये जो सब अटोमिक पार्टिकल इसके बीच में होते हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बीज की तरह, और ये जो बाहर से जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, उसने बोला वो न्यूट्रॉन होता होगा। तो ये था उसका मॉडल, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वाटरमेलन मॉडल या केक पुडिंग। केक पुडिंग आपने खाई होगी, उसमें भी क्या होता है, केक होता है ऐसा और बीच में वो रखे होते हैं जैसे चेरी वगैरह लगाई होती है ऐसी, तो उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट आ गया कि गोल है और बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, केक पुडिंग पड़ गया या वाटरमेलन पड़ गया या थॉमसन मॉडल बोल देते हैं। हमें आया था तो उसमें कहा था कि जो वाटरमेलन मॉडल है वो किसने दिया था वो थॉमसन ने दिया था, ठीक है, थॉमसन ने दिया था। और उन्हीं ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की भी खोज उन्होंने की थी। भाई देखो हमने पढ़ा कि जो थॉमसन है, ठीक है, थॉमसन, तो उसका स्टूडेंट कौन था, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने पूछा कि सर ऐसा कैसे, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो थॉमसन जो थे साइंटिस्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे से इस चीज को, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपका मॉडल तो सही नहीं है, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रदरफोर्ड ने इनका मॉडल क्या कर दिया, फेल, ठीक है। तो उसके बाद आपका रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये स्पेशली एटम के लिए नहीं था, वो क्या पढ़ रहे थे, अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे कि उनसे कैसे बचा जाए। सपोज करो यहाँ पे ऐसा सोर्स ले लिया उन्होंने जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, लेड, लेड की एक शीट लगा दी जो जिसमें के बीच में क्या था, होल, क्योंकि होल से वो फिर पार्टिकल निकलने थे इधर को, इस साइड को। तो ये जो लेड होता है इसको क्या बोलते हैं, आप घर में भी आपके होता है लेड शीशा, ठीक है। तो
तो सबने देखा ही होगा लेड। तो यहां से निकले आपके क्या, अल्फा पार्टिकल। अब यहां पे उसने क्या लिया, गोल्ड का फॉइल मतलब सोने का टुकड़ा रखा है यहाँ पे। इस पे वो चेक करेगा, इसके एटम को चेक करेगा, ठीक है। तो इसका बीच में कहीं एटम होगा तो उसको उसने क्या करना है, चेक करना है। और साइड में क्या लगा दी, बाउंड्री के लिए लगा दिया जिंक सल्फेट की बॉल, ठीक है, बाउंड्री लगा दी ऐसे ताकि पार्टिकल इधर उधर ना जाए। तो देखो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, इस होल के थ्रू जाएंगे अंदर और यहाँ पे जो एटम होंगे उससे टकराएंगे, ठीक है। तो यहां से इसको और ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे बनाया है दोबारा, तो मैं आपको इसको दूसरे पेज पे समझा रही हूँ। रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे एक सोर्स लिया जिससे क्या निकल रहा है आपके अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। और यहाँ पे उसने क्या लगा दिया है, लेड की एक शीट लगा दी यहाँ पे, ठीक है, तो जिसमें होल है। तो यहाँ से वो क्या निकलेंगे, पार्टिकल इधर को निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, मैं उस गोल्ड का क्या बना रही हूँ, एटम ही बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे गोल्ड का क्या होगा, एटम। तो ये क्या है, गोल्ड का एटम लिया हमने एक। अब देखो इसने देखा जब ये यहां से सपोज करो ऐसे ये क्या जाएंगे, रेज अंदर को जाएंगे यहाँ पे, तो वो रेज क्या हो गई, देखो यहाँ पे वो आधी रेज तो निकल गई इधर को, ठीक है, और आधी यहाँ बीच जैसे से क्या हो गई, इधर को आ गई, वापस आ गई पीछे को, और भी रेज गई, वो यहां से टकरा के वापस आ गई, और रेज गई यहां से टकरा के वापस आ गई, और कुछ सीधे चले गई। तो इससे उसने क्या खोजा, इसने उसने देखा कि जो आपका यहां से जो बीच से बहुत सारी रेज क्या आ रही है, वापस आ रही है, मतलब किसी चीज से टकरा रही है, टकरा रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा बीच में जिससे टकरा के वो रेज वापस 180 डिग्री क्या कर रही है, घूम जा रही है। तो उसने क्या बोला कि जो बीच वाली जो चीज है ये क्या है, मास, किसका मास, एटम का मास, कि जो एटम का मास है वो कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में, ठीक है, जो पूरे एटम का मास कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में। और इसी को क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नाम दिया। तो आपका रदरफोर्ड ही था पहला जिसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था किसको, ये जो मास उसने बोला कि जो बीच में सेंटर में क्या है मास, उसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस नाम दिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता कि सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। बात आता कि अच्छा यहां से क्यों पीछे जा रही है, यहां से क्यों जा रहा है, तो यहां भी इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा जिससे टकरा के वो पीछे को क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और यहाँ पे भी क्या होंगे, आपका कोई एटम होगा। और जो यहाँ पे जो सामने चली गई वो सीधी लाइन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, खाली स्पेस होगा कहीं पे। तो यहां से उसको क्या पता चला कि एटम के क्या होते हैं, बीच में सेंटर में क्या होता है, सबसे ज्यादा मास होता है जहां से टकरा के क्या हो गई, रेज वापस आ गई, तब उसको पता चला। और साइड में क्या है, कहीं कहीं पे क्या है, और पार्टिकल है जिसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस मतलब सेंटर, जो सेंटर में जो मास है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला कि, और साथ में उसने ऐसा बोला कि कुछ रेज जो है वापस चली गई, मतलब सीधी चली गई। तो सीधी चली गई इसका मतलब कि जो एटम होगा उसके बीच में काफी ज्यादा क्या होता है, स्पेस खाली भी होता है, क्या होता है, स्पेस खाली भी होता है। तो यहां से निकाला उसने कि एटम कुछ ऐसा दिखता होगा कि बीच में आपका क्या होगा, आपका कुछ मास होगा, ठीक है, सेंटर में पूरा मास होगा, मतलब एटम का, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल होंगे ऐसे ऐसे जो जिनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और उसने ऐसा बोला कि ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ ऐसे, किसी भी ऑर्बिट में ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है, ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ कौन घूम रहा है, आपका अर्थ घूम रहे हैं और बाकी और ग्रह भी घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये। तो जो सेंटर में जो सूरज है उसको क्या मान लो, न्यूक्लियस, और जो आपके क्या प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसको क्या बोल दो, इलेक्ट्रॉन। आ गया आपको, तो क्या बताया रदरफोर्ड ने कि जो आपका एटम होता है उसका जो मास होता है, जो मैटर होता है उसका जो मास होता है वो कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में लाई करता है। ये उसने पहली बात बताई कि सेंटर में लाई करता है आपका एटम का मास। और उसने बोला कि उसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, ऐसे पार्टिकल उसके चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो सेंटर वाला है इसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस नाम दिया, उसी ने दिया, ठीक है, न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने। तो क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर में तो कर लेना ठीक इसको, ठीक है, कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी उसने, मतलब किसको नाम दिया था उसने, न्यूक्लियस को नाम दिया था उसने। आप
आप सोच रहे होंगे कि जो रदरफोर्ड है इनका जो मॉडल है वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि इनका जो मॉडल है वो फेल हुआ कि क्या हुआ कि पास हो गया, तो सुनो आगे की कहानी आप। आगे क्या था, रदरफोर्ड के भी क्या थे, एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था बोहर। क्या था, बोहर। तो बोहर ने पूछा अपने टीचर से कि सर अगर आप बोल रहे हो कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ठीक है ये एक बॉडी है, इसके अकॉर्डिंग ये बॉडी दूसरी बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, तो जब घूमते रहेंगे तो एक टाइम होगा कि इसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी इसकी खत्म नहीं हो जाएगी। न्यूक्लियस होगा बीच में, वो भी क्या करेगा, इसकी एनर्जी खाएगा थोड़ा, मतलब ऐसे ऐसे घूमता रहेगा तो वो भी थोड़ी एनर्जी लेगा इससे। तो इस तरह से जब एक बॉडी के साथ दूसरी बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, तो वो दूसरी वाली बॉडी एनर्जी लूज नहीं कर देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खत्म नहीं कर देगा अपनी, अगर खत्म कर देगा तो वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे आता नहीं है। तो ये था उनका क्या क्वेश्चन, उन्होंने बड़े ध्यान से सोचा पर उनको इसका आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने अपना जो मॉडल है उसका मतलब अपना फेलियर मान लिया उन्होंने कि हाँ मेरे में कमी है। अभी आपको भी समझाया वो मैंने यहाँ पे लिखा है सारा का सारा, देखो अल्फा पार्टिकल निकले यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है बीच वाला, और ये ऑर्बिट है, ठीक है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो सबसे पहले मास जो सेंटर में है उसको किसने न्यूक्लियस नाम दिया, रदरफोर्ड ने दिया। एटम का सारा मास कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में लाई करता है। जो स्टूडेंट था वो क्या था, बोहर। तो यही पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई वही लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन हाँ वही की रेस्ट में क्यों नहीं आ जाता है, तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल, और रदरफोर्ड ने अपना फेलियर क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज हम, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आ गया समझ कि नहीं आया, और कैसा लग रहा है चैप्टर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में, तो आपको कैसा लग रहा है चैप्टर बताना मुझे, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है। फिर इसके नोट्स आप बना लेना अच्छे से और मैं आपको अभी भेज दूंगी, और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दी है फर्स्ट चैप्टर की, तो काफ़ी अच्छी बनी है, तो आप देख लेना और वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नोट्स आपको अच्छे लग रहे तो आप उसके फोटो स्टेट भी निकाल सकते हो, कॉपी निकाल सकते हो उसकी, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो आप। सोने बहुत टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं, तो आपसे मिलती हूँ कल, और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।